नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि पीर ज्यादा सिद्दीकी की राजनीति ओवैसी पर भारी क्यों पड़ी। जी हां, 3 जनवरी की वो उस मुलाकात को याद करिए जब पीर ज्यादा सिद्दीकी और असुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुगली में हुई थी। कोलकाता एयरपोर्ट से चुपचाप असुद्दीन ओवैसी पीरजादा सिद्दीकी से मिलने चले थे और उस मुलाकात के बाद ये अनाउंस हुआ था कि दोनों का गठजोड़ बनेगा और दोनों बंगाल के चुनाव में धमाकेदार एंट्री करेंगे। जी हाँ, ये माना जाने लगा था कि इन दोनों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद टीएमसी को भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पीरजादा सिद्दीकी ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, सूत्र ये बताते हैं कि जैसे ही पीरजादा सिद्दीकी और ओवैसी की मुलाकात हुई, उसके बाद सीपीएम ने पीरजादा सिद्दीकी से सीधा संपर्क साधा। सीपीएम पीरजादा सिद्दीकी को यह समझाने में कामयाब रही कि सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन जो बन रहा है, उस अलायंस में अगर पीरजादा सिद्दीकी भी शामिल हो तो उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस बड़े प्लेटफॉर्म से अगर वो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो ये उनके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। पीरजादा सिद्दीकी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। जानकार ये बताते हैं कि दरअसल पीरजादा सिद्दीकी ये समझने लगे कि मुस्लिम यूथ और अनएम्प्लॉयड के बीच में इस तरह की बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि मुस्लिम्स के बड़े तबकों के लिए भी एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए और इस बात का पैरोकार खुद असुद्दीन ओवैसी भी हैं। लेकिन पीरजादा सिद्दीकी ये मानने लगे कि बंगाल की राजनीति में अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होते हैं और उसमें कांग्रेस और लेफ्ट उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा तो वो भी बंगाल की राजनीति में मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव बन पाएंगे और ठीक उसी प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव होंगे जैसे असम में बदरुद्दीन अजमल का रोल है। जी हाँ, और यही वजह रहा कि पीरजादा सिद्दीकी ने चुपचाप लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के बाद ओवैसी इतने दुखी हुए कि उन्होंने फरवरी में जब उन्हें बंगाल में एक रैली करना था कोलकाता में तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी इस इलेक्शन में उतरने ही वाले नहीं हैं, जबकि मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर और दिसंबर में हैदराबाद में बंगाल यूनिट, जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बंगाल यूनिट है, उसने हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी के साथ एक मीटिंग की थी और उसमें ये तय हुआ था कि पार्टी पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहा है। और ठीक इसी मीटिंग के बाद असुद्दीन ओवैसी की मुलाकात पीरजादा सिद्दीकी से हुई थी। ये माना जाने लगा था कि जिस तरह से AIMIM बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रहा है तो जाहिर तौर पर बंगाल में भी उसकी धमाकेदार एंट्री होगी। असुद्दीन ओवैसी भी ये मान चुके थे कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा शरीफ, जिनके 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं फुरफुरा शरीफ में जो अपनी आस्था रखते हैं, उनका एक बड़ा तबका अगर इन्हें समर्थन देता है पीरजादा सिद्दीकी से अलायंस के बाद तो AIMIM बंगाल में भी एंट्री करने में कामयाब रहेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब पीरजादा सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस के पार्ट हो गए। अब ये संयुक्त मोर्चा कहलाता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीरजादा सिद्दीकी भी अब अपने ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं होने की बात को लेकर के कुछ भी ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। पर इनसाइडर्स ये बताते हैं कि पीरजादा सिद्दीकी ये समझ चुके हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ उनका जाना उनको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा और मुस्लिम के प्रतिनिधित्व करने का उन्हें बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। और यही वजह रहा कि इस चुनाव में वो ओवैसी का साथ उन्होंने ठीक उसी तरह से छोड़ दिया जैसे उनका कभी किसी तरह का कोई ओवैसी के साथ समझौता हुआ ही नहीं था। ठीक ही कहते हैं, राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है।
पीर ज्यादा सिद्दीकी भले ही 35 साल के हों और उन्होंने पॉलिटिक्स में अभी भले ही एंट्री किया हो, लेकिन उनकी इस चाल से ये साफ नजर आता है कि वो बंगाल पॉलिटिक्स में अपना पैर किस तरह से मजबूत करना चाहते हैं, अपनी जड़ें वो किस तरह से जमाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस के इस हिदायत पर कि वो किसी भी तरह के कॉमनल भाषा का प्रयोग चुनाव के दरमियान नहीं करेंगे, अपने किसी कैंपेन में नहीं करेंगे। पीर ज्यादा सिद्दीकी भी फिलहाल यही कर रहे हैं और वो साफ टीएमसी और बीजेपी पर लगातार आक्रामक होकर के ये कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी मुसलमान, आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोध में ही तमाम फैसला करती हैं। और पीर ज्यादा को उम्मीद है कि जो 26 सीटें उन्हें आवंटित की गई है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जीत करके आएंगे। खास करके उन्हें ये भरोसा है कि 90 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनका इस अलायंस में आने के बाद ये जो अलायंस है वो फॉर्मिडेबल अलायंस होगा और चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। लेकिन पीर ज्यादा सिद्दीकी के इस फैसले के बाद फिलहाल ओवैसी बिल्कुल चुपचाप हैं और उनके पार्टी के लोग इस बारे में या तो कुछ बोल नहीं रहे हैं या उनकी पार्टी को छोड़ करके अलग किसी और पार्टी में जा रहे हैं या चुपचाप बैठ जा रहे हैं। धन्यवाद।